क्या आप हवाई कीमतों की वजह से परेशान हैं? क्या आपको कौमी शहरा जम्मू तक जाने से डर लगता है? क्या आपको ये भी डर सता रहा है कि कहीं हम रास्ते में न फंस जाए? इन सब मुश्किलात से आपको अब नजात मिलने वाली है। बस थोड़े दिनों की देर है, यहाँ पर इस महीने के आखिर तक रियासी तक ट्रेन चलेगी, यानी कि श्रीनगर से ट्रेन अब रियासी तक चलेगी। इन बातों का खुलासा थोड़े दिन पहले यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ने भी किया था, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इससे क्या क्या नफ़ा जो है, या हम कहेंगे कि मुनाफा यहाँ पर लोगों को मिल सकता है। उसमें सबसे पहले जो यहाँ पर अमवाते कौमी शाहरा पर होती थी, उसमें भी नुमाया कमी देखी जाएगी, इवन कि वो 0% के बराबर अब होगी। अगरचि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है, लेकिन कौमी शाहरा ने यहाँ पर कहीं एक चिराग जो है बुझा डाले, कहीं एक कोक जो है खाली कर दिए, कहीं एक बहन के भाई छीन लिए। लेकिन अब जिस तरह से बताया जाता है कि थोड़े दिनों के बाद यहाँ पर श्रीनगर से रियासी तक ट्रेन चलेगी और उसके बाद यहाँ पर थ्रू वो जम्मू भी हो जाएगी, लेकिन उसमें एक ट्यूब जो है इनकम्प्लीट है, अदरवाइज़ ये जम्मू तक भी अब थोड़े दिनों के बाद चलने वाली थी, उसमें भी शिद्दोमत से काम जारी है। और अगरचि यहाँ पर कहीं एक ट्यूब जो है रियासी के बाद अभी इनकम्प्लीट है, उसमें थोड़ा काम अभी करना बाकी है, ये महीना गुजरने के बाद उस पर भी शिद्दोमत से काम जारी है। अगरचि यहाँ पर अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, उससे पहले इन्होंने टारगेट रखा है कि तमाम जो इनकम्प्लीट ट्यूब्स है उनको भी कम्प्लीट किया जाएगा। टेंटेटिव डेट तो कोई नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बताया जाता है कि इस महीने के आखिर में जो ट्रेन है वो पहले तो यहाँ पर सिक्योरिटी और जो रोड क्लियरेंस है उसकी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद थोड़े से मुसाफिर लेकर यहाँ पर श्रीनगर से या संगलदान से रियासी तक ट्रेन चलेगी, और जो ही यहाँ पर ट्रेन सक्सेस होती है उसके बाद वो श्रीनगर से लगातार चलेगी। अगरचि यहाँ पर ट्रेन जो नॉर्मल ट्रेन है वो यहाँ पर श्रीनगर से संगलदान तक अभी चल रही है, लेकिन इस महीने के आखिर तक बताया जाता है कि जो नॉर्मल ट्रेन है, इवन की जो DMU ट्रेन है, वो यहाँ पर श्रीनगर से रियासी भी चलेगी। रियासी में एक बड़ा जो ब्रिज है वो भी बनाया गया है, अगरचि चिनाब रेल ब्रिज जो है, ये बताया जाता है कि 1315 फीट जो लंबा है, लॉन्ग ब्रिज है, और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ये माना जाता है, और ये करीब करीब 109 फीट एबो द चिनाब रिवर है, यानी कि 109 फीट ये ऊपर तक जाता है। जब यहाँ पर रेल चलेगी हवा को चीरती हुई इस पुल पर वो जाती हुई रियासी पहुँच जाएगा, और खूबसूरती इतनी होगी कि बताने की बात नहीं है, यूरोप को भी वो पीछे छोड़ देगा। खूबसूरती इतनी रास्ते में आपको रेल के ज़रिए जब आप सफ़र करेंगे मिलेगी। उसमें आपको मैं बताऊं कि उधमपुर जो श्रीनगर बारामूला प्रोजेक्ट है वो 48.1 किलोमीटर लंबा लॉन्ग सेक्शन था, उसको 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट भी किया था, और उसके बाद यहाँ पर शिद्दोमत से आज तक काम जारी है। अगरचि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग मॉवल है ये, क्योंकि यहाँ पर कहीं एक जो पहाड़ जो है काटे गए, उसके बाद उसमें से ट्यूब्स बनाए गए। अब इंतज़ार बस इसी का है कि रियासी तक कब ये ट्रेन चलेगी, और उसके बाद जो है ये ट्रेन आगे भी जा सकती है, लेकिन उसमें कुछ टाइम अभी लग सकता है। लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर जब रियासी तक ट्रेन चलेगी उसमें हवाई सफ़र में भी आसानी होगी, क्योंकि आजकल के दौर में काफ़ी ज़्यादा रेट्स हवाई सफ़र में लग जाती है, लेकिन जब ये ट्रेन रियासी तक जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा जो हवाई सफ़र है वो सस्ता भी हो सकता है। दूसरी जो बड़ी बात है, जिस तरह से मैंने अभी पहले भी कहा आपको कि ह्यूमन लॉस जो यहाँ पर होता था, अब उसमें भी नुमाया कमी देखी जाएगी, और तीसरा आपका वक्त भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। अब दुनिया भर की नज़रें इन्हीं पर टिकी है कि कब यहाँ पर श्रीनगर से रियासी तक पहले ट्रेन चलेगी, उसके बाद जम्मू कब जाएगी, और जो 4 लेन अब तैयार होने वाला है कुछ दिनों में, तो वो कब कंप्लीट होगा, यानी कि जब यहाँ पर ये चीज़ें तैयार होके आएगी तो टूरिज्म सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ सकता है।